एंड आई हैव फेल्ड इन माई इनिशियल टू अटैम्प्टो इवन दो आई वॉज प्रिपेयर इवन दो आई वॉज स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर्स लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन पा रही थी तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इनिशियल अटेम्प्ट में लेकिन कैसे वो कंसिस्टेंसी बनी रही कि इन दिस ईयर आई हैव क्लियर तो मेरा इस ये सेशन का यही मेन वो है फोकस कि हमें कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है अपनी पूरी एग्जाम प्रोसेस में तो so, I आई हैवीस uh, these points. So, trust on yourself and enjoy the process. Consistent रहने के लिए आपको अपने ऊपर trust करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं मैं कर सकती हूँ I have to do this मैं कर सकता हूँ एक ये जो अपने पर self belief होता है ना ये हमें बहुत आगे लेके जाएगा कि हाँ we have these plans और ये हमारा dream रहा है ये हमारा passion है उसके हिसाब से हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे इन्जॉय करो प्रोसेस को ज़्यादा ऐसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत रहो इस पूरी प्रिपरेशन में कि हम लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि okay, एग्जाम प्रोसेस ही ऐसा है कि हाँ हम लोग बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं होपलेस हो जाते हैं तो वो नहीं होना है इन्जॉय करो जर्नी को कि हाँ कहीं पे फेल हुए हो तो कोई बात नहीं फिर उठेंगे लेकिन बस पढ़ते रहेंगे तो एक वो कंसिस्टेंसी है ना अपने आप पे ट्रस्ट करके और इन्जॉय करते रहो तो तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है एंड सेकेंड वन इज़ कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं तो एक हम लोग मंथली ब्रॉड टारगेट बनाते हैं कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट subject, दो सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं तीन सब्जेक्ट जो कुछ भी है फिर हम लोग एक वीकली बनाते हैं कि हाँ उस सब्जेक्ट में वीकली में मुझे इतने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं फिर जिस पे बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है वो है आप आपके डेली टारगेट्स कि आप डेली क्या टारगेट्स बना रहे हैं और उनको अचीव कैसे कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप अपने डेली टारगेट्स बनाते हैं उनको थोड़े रियलिस्टिक बनाइए ठीक है कि हाँ अब ऐसे नहीं कि आप लोग सिर्फ आवर्स काउंट कर रहे हैं कि फोर्टीन आवर्स पढ़ूंगा फिफ्टीन आवर्स पढ़ूंगा इस तरह नहीं जितना है डूएबल है रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए उसको और भी डेली टारगेट्स को भी आप छोटे छोटे मैन्यू टारगेट्स में वो कर लीजिए डिवाइड कि हाँ फॉर टू आवर्स आई विल रीड न्यूज़पेपर उसके बाद मैं थोड़ा एनालिसिस देख लूँगा उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल करना है जी करना है जिस तरह करना है डिवाइड कर लीजिए तो ये आप जो ये डेली टारगेट अपना अचीव करेंगे ना तो इससे एक सेंस ऑफ जो सेल्फ जो मोटिवेशन आता है ना आफ्टर अचीविंग दोज टारगेट्स वो वही जो है जो आपको कंसिस्टेंट रखता है आपकी पूरी एग्जाम प्रोसेस में कि हाँ आपको लगता है कि जब रात में सुकून से सोते हैं ना कि हाँ आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया डेली का तो नेक्स्ट डे के लिए एक मोटिवेशन रहता है कल भी करना है परसों भी करना है तो वो पूरा आपका वीकली चलता है मेरे साथ ये होता था मैं करती थी सुबह सुबह उठ ही एक डायरी थी मेरे पास जो अभी भी है उसमें मैं रोज़ डेट लिखा और डेली के टारगेट्स लिखे और रात में मैं सोचती थी या फिर उसमें टिक लगा लेती थी कि जेबा हैव यू कम्पलीटेड दोज टारगेट्स तो ये वाला पॉइंट ना जो सेकंड पॉइंट है ये ब्रॉड टारगेट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है एक्चुअल प्रैक्टिकल पॉइंट है कि हाँ आपको ये करना है कैसे करना है ठीक है तो जो डेली के टारगेट्स हैं तो जैसे मैंने आपको बताया uh, मंथली फिर वीकली मंथली पे आइए वीकली फिर जो डेली टारगेट्स हैं उसको कैसे अचीव करना है तो उससे आप कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस रहते हैं थर्ड वन इज़ इवेलुएट योर सेल्फ आपकी प्रिपरेशन को आपको इवेलुएट करना है कि आप कहाँ हैं कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं एक तो इवेलुएशन से ये होता है कि हम पढ़ते जाते हैं साल भरों की सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है तो हम साल भर बस पढ़ने को कोई कोई ये नोट्स आ गए वो बुक्स आ गई ये मैगजीन्स आ गई बस सब कुछ बढ़ता चला जाता है लेकिन हम इवेलुएट नहीं करते हैं खुद को बस ऐसा लगता है बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं लेकिन द मोमेंट यू वैल्युएट यूयर सेल्फ तो आपको सच्चाई मालूम पड़ती है कि वेयर यू स्टैंड उसके हिसाब से फिर आप काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई सब्जेक्ट खत्म किया है अब प्रिलिम्स के प्रम्स पास है तो प्रिलिम्स पेपर्स लगाएंगे आप या फिर आप मेंस की थोड़ा उसके हिसाब से कर रहे हैं तो मेंस पेपर्स तो ये एवेल्युएशन प्रोसेस चलता रहना चाहिए कि वेयर आई डू आई स्टैंड तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उससे आपको मालूम पड़ता है कि हाँ गलतियाँ कहाँ हो रही हैं कहाँ कहाँ और अच्छा कर सकते हैं कौन सा टॉपिक है जो अब हो गया है अभी उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट किसी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है तो इससे क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि हाँ बहुत ऐसा बोरिंग सा अप्रोच नहीं हो जाता कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं आप इसको वीकली में वीक uh, के एंड में टेस्ट पेपर्स रख सकते हैं या डेली भी रख सकते हैं जैसे फिलिम्स पास में है तो आप थोड़ा डेली का अप्रोच रखिए या फिर मतलब अपने हिसाब से दो दिन के गैप से तीन दिन के या फिर डेली जैसे आपको रखना है उसके हिसाब से आप इस तरह से एवेलुएशन प्रोसेस कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं उसके हिसाब से सब चलता रहता है नेक्स्ट वन इज़ हैव ब्रेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यू पी एस सी इज़ अबाउट स्टडिंग स्टडिंग विच इज़ डेफिनेटली इज बट एक ब्रेक होना ना बहुत ज़रूरी है एक फिल वाला एटीट्यूड रखो फॉर एग्जाम्पल मी एक्स ट यू वन थिंग इन माई प्रीवियस टू अटैम्प्ट स्पेशली इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैं बहुत पढ़ती थी बहुत ज्यादा ही पढ़ती थी मतलब लाइब्रेरी में दिन दिन भर बैठी हुई हूँ छुट्टी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है संडे को भी जा रही हूँ हालांकि संडे को जाना इज नॉट बैड बट हाँ मतलब मैं ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेती थी ठीक है तो उससे क्या होता है ना एक बहुत एग्जॉस्टिव सी फीलिंग आती है आपका आपको मेंटल ब्लॉकेज टाइप फील होगा कि अरे मतलब कुछ चल नहीं रहा है लाइफ में बस जो है सामने बस वो पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं तो जब ब्रेक होता है ना तो आप अपनी लाइफ जीते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ये यू और लाइट आपको लाइट लाइट फीलिंग आती है तो वो एक अच्छी अच्छी चीज़ है इन दिस प्रोसेस रीज़न इज़ वैसे ही हम लोग को बहुत टेंशन रहती है फिल्म है मेन्स हैं इंटरव्यू है इतना ज़्यादा हेक्टिक सा शेड्यूल बन जाता है सब कुछ उस बीच में अगर आप ये ब्रेक्स ले रहे हैं ना तो एक वो लाइट जो फील रहता है ना उससे यह है कि आप अपने आप संभले हुए रहते हैं प्रोसेस में इसमें क्योंकि ये वैसे ही बहुत टेंसड सा प्रोसेस है तो ब्रेक लीजिए थोड़ा चिल वाला एटीट्यूड रखिए कि अब ब्रेक में ऐसा है कि आपको जो पसंद है जो कुछ भी करना जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ है गाना गाना पसंद है या फिर रनिंग वॉकिंग पे कहीं पे भी जाना है वो जो कुछ भी करना है आप करिए इन माय दिस अटेम्प्ट मैं आपको बता देती हूँ जिसमें मेरा एक लिया हुआ है थर्ड अटेम्प्ट मैंने बहुत इन्जॉय करके पढ़ाई करी है काफ़ी इन्जॉय करती थी मैं अपनी प्रिपरेशन को और जो चीज़ मुझे पसंद है वो करना जैसे मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है तो फिर मैं सुनती थी आराम से ये नहीं अब दिमाग में क्या रहता है बैक इन द माइंड कि टाइम वेस्ट हो रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो बट उसको एक पॉजिटिव चीज़ लो कि कोई बात नहीं आई एम जस्ट रिलैक्सिंग माई सेल्फ ताकि फिर उसके बाद और अच्छे से पढ़ाई होगी ठीक है ना तो बहुत बर्डन क्रिएट नहीं करना है इसमें क्या है हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ इन सबको भूल जाते हैं एकदम बहुत स्ट्रेसफुल होकर घूम रहे होते हैं कि हाँ बस एग्ज़ाम एग्जाम एग्जाम पढ़ाई पढ़ाई ठीक है वो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा रिलैक्सिंग एटीट्यूड रखो उससे क्या है जब आप सबसे एक वो बता दूँ आपको कि आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं ना तो आप एग्ज़ाम में भी गलती करते हैं जैसे मैंने अपने फर्स्ट टू अटैम्प्ट में की थी जहाँ आप रिलैक्स होते हैं ना तो आप बहुत बहुत अच्छे से हर चीज़ को परफॉर्म करते हैं स्पेशली इन प्रोलम्स तो वहाँ मैं बहुत गलती करती थी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील एक क्वेश्चन नहीं आया तो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल अपने नोट्स को ब्लेम कर रही हूँ कि जेबत उन्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं करी या फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं तो वो नहीं करना है हमें ठीक okay. है रिलैक्सड रहिए चिल रहिए तो इससे आपके मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा पहली बात नोटिस करिएगा एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज प्रिपेयर बियॉन्ड एग्जामिनेशन देखो ऐसा है कि इस एग्जाम को ही ना लोग अपनी लाइफ मान लेते हैं कंसिडर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ पूरे से कंप्लीटली लाइफ मत मानिए यही जो है जो लाइफ है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीजों से एक्सपेक्ट करते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन हमेशा कभी हमारे हिसाब से नहीं होती है हर चीज़ क्योंकि ऐसा होता है कभी उल्टा हो रहा है कभी जो हम जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है तो इसमें ऐसा है कि आप अपना टाइम मतलब एग्ज़ाम तो है ठीक है लेकिन इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मानिए इसको ही सब कुछ मत मान कर चलिए तो उससे क्या है आप काम रहेंगे क्योंकि अभी एग्जाम प्रोसेस एक तो वन ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है उसमें भी लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक बैकअप अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है इनिशियली uh, तो आप अपना पूरा अच्छे से दीजिए लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करिए ठीक है एक इसके बाहर भी लाइफ है उसको भी इंजॉय करिए लाइक जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में कहा कि हॉबीज और अपने आप को फ्री टाइम देना जो ये सब चीज़ें हैं ना तो ये प्रि प्रपेयर बियॉन्ड एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम सिर्फ हर चीज़ एग्जाम एग्जाम से नहीं उसके बाहर भी लाइफ को इंजॉय करिए क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली अपने थर्ड अटैम्प्ट में फील करी है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कुछ एग्जाम था ऐसा मतलब जो कुछ है यही है अभी भी यही था लेकिन अब ये है कि सब कुछ बैलेंस रखो अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ भी और अपनी इस ये वाली जी कि हाँ एग्जामिनेशन है सब जो पर पढ़ाई वढ़ाई चल रही है इसको भी चलने दो लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को भी सब सबको इंजॉय करो अपनी लाइफ में हर फेज इंपॉर्टेंट होता है हर टाइम हर जहाँ हो वहाँ इन्जॉय करो ठीक है तो ये इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होगी और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आपको जो कुछ भी पसंद है वो करो ठीक है जिस तरह से भी है तो अपने आप को भी थोड़ा टाइम दो ठीक है तो सिर्फ हर चीज़ एग्जाम से जोड़कर और स्ट्रेसफुल होकर मत घूमते रहो तो मेरा ये आपके लिए सिर्फ ये मेन जो चीज़ें हैं क्योंकि मैंने ये सेल्फ अपनी खुद पे ये ये फील किया है जो स्पेशली जो मेरे पहले के दो अटैम्प्ट थे और जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट था इसमें मेन चेंज मैंने यही देखा है कि पढ़ाई तो मैं पहले भी करती थी पढ़ाई मैंने अभी भी की है लेकिन अभी बहुत रिलैक्स्ड होके बहुत चिल होके पढ़ाई करी है तो मेरा रिटेंशन काफ़ी अच्छा रहा है तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है कि जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तब अच्छे से परफॉर्म करते हैं सेम मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ सेम मेंस में हुआ सेम प्रम्स में हुआ तो इस इस वाले अटैम्प्ट में सब वन गो में क्लियर होता चला गया बिकॉज आई वॉज रिलैक्स्ड, आई वॉज चिल्ड, तो एक सेल्फ बिलीफ है हाँ पढ़ाई करी है तो फिर टेंशन नहीं लेना है बस फिर हाँ, हमारा बेस्ट देना है एग्जाम में और फिर सब कुछ हो जाएगा ऑल द वेरी बेस्ट